नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सरकार के तरफ उन्होंने फैसला कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला था कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, उसमें स्टे लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या हो गया कि सरकार ने तुरंत देखते ही आयोग बना दिया है ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, और अब ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल में या फिर मार्च के एंड में यूपी में नगर निकाय चुनाव हो जाएंगे विद रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन के साथ होंगे। और इस कड़ी में जो समाजवादी पार्टी है वो सबसे आगे दिखाई दे रही है नगर निकाय चुनाव के तैयारियों को लेकर, क्योंकि देखिए अभी अभी समाजवादी पार्टी दो क्षेत्रों के चुनाव जीती है, जिसमें एक के साथ वो गठबंधन में जीती, यानी कि आरएलडी के साथ, और एक किसमें देखिए वो उन्होंने अपने दम पर, यानी कि डिंपल यादव ने अपने दम पर चुनाव जीता है, मैनपुरी से सांसद बन के आई है। अब क्या है कि नई नई सांसद देखिए डिंपल यादव बनी है, तो डिंपल यादव नगर निकाय का चुनाव को लेकर काफ़ी देखिए सहज है, समाजवादी पार्टी को लेकर भी, और देखिए जितने भी उनके साथी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं वो अपने ऊपर से ये टैग, जो टैग विपक्ष ने डाला है और उनके साथ के लोगों ने डाला है कि अखिलेश यादव एसी की राजनीति करते हैं, यानी कि अखिलेश यादव सिर्फ ट्विटर पर बोलते हैं, घर में ही बैठकर राजनीति करते हैं, वो टैग जो है वो अपने ऊपर से उतार रहे हैं, जगह जगह रैलियां करके, लोगों से मिलकर, अपने कार्यकर्ताओं के घर जाकर। कल भी देखिए वो मैनपुरी में गए थे कार्यकर्ता के घर, और डिंपल यादव उनके साथ हमेशा दिखाई दे रही हैं, और जिस तरह से देखिए दोनों मेहनत करें, ऐसा लगाया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की जीत होना तय है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए लखनऊ का मेयर, मेरठ का मेयर और तमाम जितने भी देखें मेयर की सीट हैं वो समाजवादी पार्टी जीत सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। और डिंपल यादव भी देखें काफ़ी तैयारियों में जुट गई है, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, जनसभाएं को संबोधित करिए डिंपल यादव, और जितने भी काम हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब नगर निकाय के चुनाव होंगे तो उस वक्त भाजपा क्या अपना रोल निभाएगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे इंसिडेंट हुए थे जब उपचुनाव हुए थे तो कि भाजपा की पुलिस ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को जेल में भी डाला था। अब नगर निकाय चुनाव होते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को या फिर उनके कार्यकर्ताओं को दोबारा जेल में डाला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।